नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि राशन कार्ड के अंदर किस प्रकार से संशोधन करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले तो मुखिया की फोटो और आधार कार्ड, ये दो डॉक्यूमेंट लगाने लगाने। और फॉर्म के अंदर एक नंबर जो सामान्य विवरण है, ये सभी फॉर्मों के अंदर ये तो भरना ही भरना है। उसके बाद दो नंबर के अंदर कोई कटा फटा या गुम है तो उसकी डिटेल्स भरनी है। 3 नंबर में यदि किसी का पता परिवर्तन हुआ है तो भरा जाएगा। 4 नंबर में जो नाम जोड़ने हैं, नाम जोड़ने में बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र लगेगा और विवाहित महिला है तो उसका मेरिज सर्टिफिकेट लगेगा। 5 नंबर में जिसका नाम घटाने हैं तो उसका रीजन भी लिखना है, मृत्यु या विवाहित या जो भी रीजन है ओरिजिन लगाना है। 6 नंबर के अंदर इस राशन कार्ड में क्या क्या काम करने हैं, जैसे कोई एक नाम घटाना है, दो जोड़ने हैं, या उम्र कम ज़्यादा करनी है, या जो भी संशोधन करने हैं उनको पॉइंट लगाते जाओ और लिखते जाओ। फिर नीचे लास्ट में सील लग जाएगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे ये हो जाएगा। और इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगेंगे, जैसे नाम जोड़ने थे लड़की का तो मेरी सर्टिफिकेट लगाया। हाँ, इसमें लड़की का यदि शादी होती है तो अपने घर से जाए या अपने घर में आए लड़की, तो उसका यदि नाम आप भामाशाह के अंदर जोड़ते हो तो उसको फैमिली ट्रांसफ़र करें। ट्रांसफ़र करने के बाद उसका संशोधन करें, नहीं तो क्या होगा कि वो नाम सही प्रकार से जुड़ेगा नहीं और कटेगा भी नहीं। तो फैमिली ट्रांसफ़र इसमें नाम है, एक ऑप्शन है, तो उसमें आप ट्रांसफ़र करके ही आपस में भामाशाह में इंटरचेंज करें। उसके बाद आप राशन कार्ड में नाम है जोड़ दें। और राशन कार्ड में नाम जोड़ें तो भी पीछे से नाम पहले कटवा लें एक राशन कार्ड से और दूसरे राशन कार्ड में जोड़ दें, वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं होगा, भामाशाह में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये सामान्य से डॉक्यूमेंट्स हैं। फोटोकॉपी जो करते हो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही डॉक्यूमेंट में करने की कोशिश करें। ये देखो इस प्रकार से एक के अंदर दो डॉक्यूमेंट लगा दिए, तीन है, तीन लग सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक तो फाइल जो है आपकी 1 MB से कम की बनेगी, और जो फाइल है वो आप 200 DPI में स्कैन कर सकते हो। यदि अलग अलग फोटोकॉपी कर दी तो ये कितने हो गए, 3-4 पेज हो गए। इसमें काम थोड़े हैं राशन कार्ड में, यदि ज़्यादा काम हो गए मान लो तो उसमें 4-5 पेज हो जाएंगे, तो वो आप 100 DPI 150 DPI में करोगे तो आगे दिखाई नहीं देगा और रिसबमिट हो जाएगा कि डॉक्यूमेंट साफ नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि एक पेज के अंदर आप 2 या 3 डॉक्यूमेंट स्कैन कर दो। फोटोकॉपी के पैसे कस्टमर को तो काम से मतलब है, वो एक फोटोकॉपी के आराम से 1-2 रुपये देता है, तो उसको चाहे एक पेज में करो या 4 पेज में करो, पेज से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप उसका काम होना चाहिए। यदि आप ज़्यादा पेज में करोगे तो आपकी फाइल है वो 1 MB से ज़्यादा हो जाएगी और अपलोड नहीं होगी। और DVI यदि आप कम करोगे तो उसकी क्वालिटी कमज़ोर हो जाएगी। तो इसलिए ज़्यादा कम से कम पेज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट स्कैन करो। और इस यदि आपके पास HP 1005 प्रिंटर है तो उसको किस प्रकार से सेटिंग करनी है, ऑटोमेटिक PDF किस प्रकार से बनाना है, उसका मैं वीडियो बहुत ही जो आपके पास सेटिंग अभी तक शायद कम ही लोगों को मालूम है, तो वो सेटिंग भी मैं आपको भेज दूंगा पूरा लाइव करके। तो उसके लिए मैं आगे वाला वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू।